भोजपुरी फिल्म मेरी निगाहें की शूटिंग इन दिनों मुंबई के मढ़ में चल रही है, जो भोजपुरी को एक नया रूप देगी। यह एक लव स्टोरी है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता अजीत कुमार हैं। मराठी के मशहूर अभिनेता साकेत पाठक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री सुमन गुप्ता और खुशबू यादव हैं। मीडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद स्टार कास्ट का, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मेरे किरदार का नाम है राधा, जो एक बहुत ही चुलबुली लड़की है। बहुत ही ज़्यादा चुलबुली लड़की है और हमें चंचल है एकदम, बहुत शरारती है वो, जो मतलब छोटी बहन का किरदार प्ले कर रही है वहाँ पर। आगे जाके कुछ सस्पेंस हैं जो आप मूवी देखेंगे तो ही खुलेंगे, मैं अभी आपको पहले नहीं बता सकती। बाकी वो बहुत ही मतलब उसके मन में जो भी रहता है, जो भी उसके दिल में रहता है वो मुंह पे रहता है, वो कुछ भी सहन करके बर्दाश्त करके दिल में नहीं रखती वो बातें, बस बोल देती है ऐसा है। इस फिल्म का क्या नाम है जी? जी जी बिल्कुल, इस फिल्म का नाम है मेरी निगाहें। मेरी निगाहें तो वो किसकी निगाहें होंगी, आपकी निगाहें इस पूरी फिल्म में किसको ढूंढने वाली हैं? अभी ये तो मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली थोड़ा सस्पेंस है जो ये फिल्म में हम क्रिएट किए हैं और वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। प्लस अभी ये निगाहें मेरी हैं या हीरो की है या जो लीड है उनकी है, या नहीं बता सकती ये मेरी निगाहें कौन किसको ढूंढ रहे हैं। को आर्टिस्ट कौन कौन है और आपके बैनर का क्या नाम है? जी बिल्कुल, जी बताना चाहूँगी हमारे साथ में जो को आर्टिस्ट हैं इसमें काफ़ी सारे अलग अलग किरदार। भोजपुरी में आपकी फर्स्ट मूवी है, तो भोजपुरी इस फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट में आपको ऐसी क्या खास बात लगी कि आप इस फिल्म को करने के लिए आपने हामी भरी? इसकी जो स्टोरी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्प एकदम, मतलब सबसे हटके है। इसमें आपको ड्रामा मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा, लाइक सारी चीज़ आपको इस फिल्म में मिलेगी, जो एक जो मतलब जो पब्लिक होती हैं जो देखना चाहती हैं वो सारी चीज़। प्लस इसके जो सॉन्ग्स हैं वो दिल को छू जाते हैं। सवाल दिलचस्प है एक्चुअली। हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि अजीत सर यहाँ पे है, अजीत कुमार, क्योंकि मैं उनको काफ़ी मानता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखी भी है। तो उन्होंने बोला कि संकेत आ जा, तुझे वैसे भी कुछ नया करना होता है हर बार, जो कि सच है, मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। अभी फ़िलहाल ही मेरी एक सीरियल ख़त्म हुई है तो कुछ नया ट्राई करना चाहता था मैं, और तभी मुझे अजीत सर ने कॉल किया और कहा कि आजा कुछ नया करते हैं। मैं बोला सर क्या करते हैं? बोले एक भोजपुरी फिल्म करते हैं। मैं बोला सच में? बोले हाँ सच में। तो ये मैं आ गया यहाँ पे आपके सामने भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ और बहुत मज़ेदार ये सब एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो भोजपुरी में आप कितने कंफर्टेबल हैं या फिर खाली स्क्रिप्ट से आपकी भोजपुरी यहाँ पर सेट पे और फिल्म में नजर आएगी लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है एक्चुअली, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए क्योंकि मतलब ये बिहाइंड द सीन्स है। और ये सच बात है कि अजीत सर काफ़ी बार घर पे भी आए, हम लोग बाहर भी मिले। जो स्क्रिप्ट थी वो लगातार मैंने पढ़ी है, जो लहजा जिसको बोलते हैं, जो टोन वगैरह पकड़ना होता है, वो काफ़ी सारा खुद अजीत सर ने मुझे एक्सप्लेन किया। मतलब ये शूटिंग तो अब शुरू हुआ है एक हफ्ते पहले, पर हम डेढ़ महीने से पिछले लगे पड़े हैं मेरे घर पर, कभी अजीत सर के घर पर, कभी बाहर कॉफ़ी शॉप में भी मैं डायलॉग रटते बैठता था। तो कंपेटेबल काफ़ी हो चुका हूँ मैं क्योंकि मेहनत उतनी की है, आई एम श्योर कि वो स्क्रीन पे भी दिखेगी। क्या फिल्म है संकेत, जरा उसके बारे में बताएं ना, आपके किरदार के बारे में। हाँ, मेरा किरदार है राज का और फिल्म का नाम है मेरी निगाहें, जो मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे स्टोरी बता सकता हूँ या नहीं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको लगेगा शुरुआत में कि स्टोरी एक नॉर्मल जा रही है, लव स्टोरी है, डेफिनेटली इट्स अ लव स्टोरी। उसके अंदर ट्रायंगल भी है और क्वाड्रेंगल भी है एक्चुअली, जो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। बट डेफिनेटली वी हैव गिवन अ स्लाइट माइथोलॉजिकल टच, जो सिर्फ टच है माइथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, एंड इट्स इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी मैं स्टोरी एक्चुअली रिवील कर नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसा मुझे कुछ ब्रीफ मिला नहीं है, तो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स ट्विस्टेड। हिंदी शो के बाद आपने भोजपुरी में एंट्री करने की कैसे सोची? एक्चुअली कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसे ही हो जाती हैं, आई गेस ये प्रोजेक्ट भी मेरे लाइफ में ऐसी हो गया। मैं चिराग जी को जानती थी पहले से और उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया और फिर बातें हुई, मुझे लगा कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म है, इनफैक्ट इस फिल्म के गाने बहुत प्यारे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई टू भोजपुरी। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत की एंड आई एम राइट नाउ वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने ये जो ऑप्शन, ये जो अपने पास अच्छा सा काम आया उसको हाँ बोला। आप भोजपुरी से कितनी कनेक्टेड? इस फिल्म का नाम है मेरी निगाहें
और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर लक्ष्मी का है, जो अगेन बहुत ही प्यारी पॉजिटिव लीड है. दो बहनों की स्टोरी है बेसिकली, जिसमें ये लक्ष्मी जो है बड़ी बहन है, जो कि सौतेली है. इस घर में जो उसके पापा और मम्मी हैं उसे लेकर आए थे, बचपन में अडॉप्ट किया था. और लक्ष्मी को हमेशा ये जताया गया घर में कि वो एक सौतेली बहन है, सौतेली बेटी है. तो कहीं ना कहीं वो घुट घुट के जी है. हालांकि पापा और माँ ने, मम्मी और पापा ने बहुत ट्राई किया कि एक तरीके का ट्रीटमेंट दे दोनों बच्चों को, बट ऐसा हो नहीं पाया. बाकी लोगों ने ऐसा फील कराया कि लक्ष्मी हमेशा पेन में रही. और ये बहुत डीप कैरेक्टर है. मैं इस फिल्म का नाम है मेरी निगाहें, और इस फिल्म में मैं मामा जी का रोल कर रहा हूँ. जो पहले शुरू में तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा मामा हो जाता है. तो बहुत ही अच्छा रोल है इसमें मेरा. अच्छा, किसके मामा है? लड़की के मामा है? मैं इसमें लड़की का मामा. लड़की के मामा जी. बेसिकली किस जॉनर की फिल्म है मेरी निगाहें? ये एक पारिवारिक फिल्म है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बन रही है. अगर भोजपुरी के हिसाब से हम जो मैंने एक दो फिल्में भोजपुरी की हैं, लेकिन उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है. और उसकी जो मेकिंग है, हमारे जो अजीत जी बिटिया की शादी है, इस फिल्म में लिया है अनाथ आश्रम. घर में वो आती है तो जो वर्षों से हम एक औलाद के इंतज़ार में थे, उसके पैर हमारे घर में आते ही मुझे खुद का भी एक अपना औलाद, मतलब बिटिया के रूप में हमें मिलता है. और हमारे रोज़गार में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है. आज उसमें से छोटी बिटिया की शादी हो रही है, और कहानी के हिसाब से मैं तो चाहता था कि बड़ी बिटिया की लक्ष्मी की शादी हो, लेकिन उसमें जैसे अमूमन होता है, हमारे समाज में भी होता है, उसी तरह इस स्टोरी में भी है कि हमारी एक बड़ी साली हैं जो वीडियो हैं घर में रहती हैं, वो थोड़ा षड्यंत्र कर देती हैं और बड़ी